हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीएल रावत और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। और दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है कफ यानी कि खांसी। दोस्तों, खांसी जो है वो ठंड के मौसम में ज़्यादा आती है इन कंपेरिजन टू विंटर या फिर रेनी वेदर की अगर बात की जाए। दोस्तों, ठंड के मौसम में एयर की जो डेंसिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें डेंसिटी में बैक्टीरिया और वायरस जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और सांस के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी कॉजेशन हो जाती है। और दूसरा ठंड का होता है कि ठंडी हवा जब हमारी बॉडी पे एकदम से पड़ जाती है तो हमें खांसी कॉजेशन हो जाती है। दो तरह की कॉजेशन पर ठंडी में हमें खांसी ज़्यादा आती है। अब दोस्तों, खांसी के बारे में बताएं। दोस्तों, खांसी में जब कोई पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो हम ओपन माइंडेड से उसका इलाज करते हैं। दोस्तों, 80-90% खांसी के पेशेंट इसी तरह के होते हैं, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से या तो आते हैं, या तो कुछ ठंडा पानी पी लेते हैं ठंडियों में, या तो फिर आइसक्रीम खा लिया, या तो फिर वो कोल्ड एयर का इनहेल हो गया जिसके अंदर बैक्टीरिया या वायरस था और उनके लंग में इन्फेक्शन हो गया। दोस्तों, 2-4% कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको खांसी 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो रही। खासकर इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंट देखे गए हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर ट्यूबरकुलोसिस दिखाए तो इंडिया में है। और दोस्तों, अगर किसी को 1 महीने से ज़्यादा खांसी आ रही हो और उसको अगर भूख में थोड़ी सी देखा जाए, कमी आ जाए, और तब फिर हम दोस्तों उसे सस्पेक्ट में डाल देते हैं कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है या उसके फेफड़े में पानी आ गया है या दूसरी कोई डिजीज़ है। सॉरी दोस्तों, जैसे मुझे भी देख रहे हैं खांसी आ रही है। तो दोस्तों, इसके लिए फिर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे और स्पूटम फॉर AFB एसिड फॉस बेसिलस। दोस्तों, ये टीबी की बहुत ही प्राइमरी जांच है इसकी। इसमें टीबी बिल्कुल पूरी तरह से डायग्नोस हो जाती है। कभी कभी एक्सरे में जब क्लियर नहीं आता तो फिर हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है। अब दोस्तों, आते हैं होम्योपैथी के बारे में। दोस्तों, अगर मॉडर्न साइंस की बात कीजिए यानी कि एलोपैथी में, तो उसमें 3-4 दवाइयाँ हैं जिससे लगभग सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जैसे कि एक होती है ब्रैंकियो डायलेटर, एक होता है एंटीबायोटिक, एक होती है एंटी एलर्जिक, और कुछ इसी तरह की दवाइयाँ आती हैं जिससे एलोपैथिक वगैरह से बिल्कुल पेशेंट ठीक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, होम्योपैथी में over 100 ड्रग हैं इसके आपके खांसी के। और मज़े की बात यह है कि किसी पेशेंट को अगर ठंडे पानी पीने से खांसी आई तो दवा अलग, किसी पेशेंट को ठंडी में एक्सपोज बाइक राइडिंग कर ली, कार राइडिंग कर ली, शीशा खुला रह गया सिर्फ उससे खांसी आ रही है तो दवा अलग, टाइप्स ऑफ खांसी, किसको किसी पेशेंट को कैसी खांसी आ रही तो दवा अलग, किसी पेशेंट को दिन में रात में खांसी आ रही तो दवा अलग। तो दोस्तों, ये हम लोग सिम्टम वाइज पेशेंट को खांसी की दवा देते हैं। दोस्तों, जस्ट लाइक मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देके बताता हूँ कि अगर खांसी के कितने पैरोक्सम आ रहे हैं। पैरोक्सम का मतलब एक बार खांसी आ रही है, थोड़ी देर बाद फिर खांसी। तो अगर ऐसी दवा है दोस्तों तो दवा अलग देते हैं। किसी को जैसे मेरी खांसी है वो 2 बार आती है, ऐसे में खांसता हूँ, थोड़ी देर बाद फिर ऐसे खांसता हूँ। तो ऐसे में अगर 2 बार जो खांसी आती है तो पल्सेटिल और फास्फोरस दे सकते हैं उस पेशेंट को, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर किसी को 3 बार दोस्तों खांसी आ रही है, ऐसे खांसी आ रही है, 3 बार में खांसता है पेशेंट, वो जब भी खांसेगा 3 बार में खांसेगा, कभी कभी 4 बार हो जाए तो 3 बार में खांसता है, दोस्तों ऐसे में आप क्यूप्रम दे सकते हैं, क्यूप्रम मेटेलिकम स्टेनामेट या फास्फोरस भी वहां पे आ जाती, कार्बोविज दे सकते हैं। ये 2-3 दवाइयां हैं जो कि 3 बार की खांसी में आती है। दोस्तों, एक खांसी का टाइप है मिनट गन टाइप, जब पेशेंट खांसता है तो मतलब गन चल रही है, गन की तरह। और दोस्तों, जब वो खांसता है, जो उसको खांसी का जब उसको अटैक आता है तो इसी तरह खांसता है वो। तो दोस्तों, ऐसी अगर खांसी किसी को मिनट गन खांसी आ रही तो सिर्फ एक दवा उसकी कोरेलम रूब्रम है। हमारी किताबों में ये खांसी का टाइप लिखा हुआ है, खांसी का सिम्टम लिखा हुआ है। दोस्तों, तो ये होम्योपैथी की बहुत ही विशेषता है कि सिम्टम जैसा सिम्टम होता है हम लोग वैसी दवा देते हैं। दोस्तों एक सिम्टम आपको बताता हूँ बड़ा है। किसी को यानिंग बहुत ज्यादा आती, सिंपल जमा यार यानिंग बहुत ज्यादा। दोस्तों, यानिंग अगर किसी को बहुत ज्यादा है तो इट मे बी अ सिम्टम ऑफ क्रॉनिक किडनी फेल्योर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है उसका। तो दोस्तों, डू यू बिलीव दैट दिस इज अ सिम्टम? तो दोस्तों, होम्योपैथी की यही एक बहुत विशेषता है। होम्योपैथी जब दोस्तों काम करती है तो ऐसा जादू कर देती है, पेशेंट को बिलीव नहीं होता कि मैं महीनों सालों से खांस रहा हूँ, मैं 2-4 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मैं ठीक हो गया। दोस्तों, वीजिंग, किसी को वीजिंग की खांसी है, जब सांस फूलती है तो सांस की आवाज़
ऐसे साई की हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम लोग एंटीमोनियम आर्सेनिकम देते हैं, बहुत अच्छी दवा दोस्तों, बहुत उसकी पेशेंट की जो है आराम हो जाता है। दोस्तों अब आते हैं कुछ रेगुलर दवाइयाँ जो मैं अपने होम्योपैथिक क्लिनिक पे देता हूँ, कोडेसेंस पे या फिर दूसरी चीज़ों पे, सिम्टम के आधार पे। दोस्तों जो मेरी पहली दवा आ गई वो है बेलेडोना। दोस्तों बेलेडोना में दो चीज़ें बहुत सैड, बेलेडोना में पेशेंट दिन में कहता डॉक्टर साहब मैं पूरा दिन बिल्कुल सही था, थोड़ी सी बाइक राइडिंग कर ली, थोड़ा वहाँ चले गए, लेकिन शाम को एकदम से खांसी आ गई, बहुत तेज स्पैस्मोटिक कफ हो रहा है, खांसते ही चले जा रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही, थर्स मेरी दोस्तों मेरी बढ़ गई है, इस पेशेंट में फिर थर्स बढ़ जाती है। दोस्तों एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर या आपके पैर कहीं ज़्यादा देर तक भीगे रह गए हों या ठंडी हवा लग गई हो आपको, आपके गले में दर्द हो रहा हो, आपको प्यास बढ़ गई हो, आपको फीवर भी लगने लगा हो, ऐसी कंडीशन में अगर आपको आपकी खांसी बैठने पर बेटर हो जा रही, लेटने पर बढ़ जा रही है, अगर ये सब आपको सिम्टम लगे तो आप बेलेडोना ले लीजिए, आपकी खांसी 2 से 3 घंटे में आराम हो जाएगा और 2-1 दिन में आप पूरी तरह से सही हो जाएंगे। दोस्तों इसी तरह की एक दवा है दोस्तों स्पॉन्जिया। दोस्तों स्पॉन्जिया की जो खांसी होती है वो बहुत ड्राई होती है, बहुत ड्राई, इतनी ड्राई होती है कि जो उसको एग्जांपल किताबों में ऐसा लिखा है कि एक अगर पिन को आप इस ब्लैक बोर्ड पर स्क्रैचिंग करें इस तरह की आवाज आती है, पिनिंग स्क्रैचिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, इस तरह की जो है दोस्तों आवाज आती है उसमें। दोस्तों आपका मुंह सूखा, आपका गला सूखा, आपकी फेफड़े के अंदर सब सूखे, प्यास लगती है, सब सूखा सूखा लगता है। उसमें दोस्तों जब खांसी आती है तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और जो पेशेंट सांस लेता है तो लगता है उसके मुंह पे स्पंज लगा दिया किसी ने, स्पॉन्जिया से स्पंज, तो लगता है वो सांस खींचनी पड़े, ऐसे खींचनी पड़ती है। दोस्तों अगर ऐसी किसी को खांसी आ रही है तो दोस्तों आप स्पॉन्जिया ले सकते हैं। स्पॉन्जिया दोस्तों मैंने मदर टिंचर पे एक पेशेंट को यूज़ किया था दोस्तों, वो एक सांस उसको खांसी आ रही थी, बगल में लोग बंधु हॉस्पिटल है वहाँ से काफ़ी किया, कई एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज लिया लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। तो दोस्तों जब मैंने उसकी खांसी ठीक की 1 महीने में तो उसने मेरे को कम से कम 10-15 पेशेंट गिन के खांसी वाले भेजे थे। दोस्तों इस तरह की दोस्तों होम्योपैथी में काफ़ी लंबे क्रॉनिक कफ जो है वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों जो अगली दवा है वो है इपिकाक। दोस्तों इपिकाक जो एक दवा है वो बच्चों में बहुत अच्छी काम आती है, बच्चों और बुजुर्गों में बहुत अच्छी काम आती है दोस्तों, बहुत बहुत यूज़फुल दवा है। अगर आप इपिकाक की बात की जाए तो इपिकाक में एक बहुत बेसिक सिम्टम है इपिकाक जो है दवा है, ये जब किसी को खांसी की स्टार्टिंग होती है तब बहुत ज़्यादा देते हैं हम लोग, खांसी खांसते खांसते बच्चा वोमिट करने लगता है या नोशिएटेड हो जाता है, खूब खांसता है लेकिन कुछ ज़्यादा निकाल नहीं पाता, निकालने में असमर्थ रहता है, फेफड़े उसके इतने ज़्यादा काम नहीं करते, बच्चे वैसे निकाल नहीं पाते हैं, बुजुर्गों में भी कुछ पैरालिटिक टाइप में देखा गया है, तो वो खांस के बहुत ज़्यादा म्यूकस बहुत भरा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी खूब आ रही है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो रही है, थोड़ा सा भी बोलते हैं थोड़ा सा भी चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, वीजिंग ब्रीथ हो रही है, बच्चे खांसते खांसते स्टिफ हो जा रहे हैं, ब्लू पड़ जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन दोस्तों बड़ी दोस्तों रामबाण दवाइयां हैं, बच्चों को अगर सही टाइम मिल जाती है तो बच्चे 2-4-5 दिनों में उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। दोस्तों अगर मॉडर्न साइंस में इसको फिर इन्हेलर दो, ये दो, वो दो, 6-6 महीने तक देते रहो दोस्तों, बहुत गर्म हो जाते हैं उनके। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन अगर आपको लगती तो इपिकाक आप दीजिए, बहुत मिरेकुलस रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों, बहुत अच्छी दवा है। अब दोस्तों अगली जो दवा है वो है ब्रायनिया। दोस्तों ब्रायनिया भी खांसी की बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों जैसे बेलेडोना की खांसी एक दिन में सुबह उसको हवा लगी शाम को खांसी चालू हो गई दोस्तों और एकदम से बहुत तेज खांसी आ गई, लेकिन ब्रायनिया में दोस्तों खांसी दोस्तों आज 2 बार खांसी आई, 3 बार खांसी आई, कल 4 बार आई, परसों जाके वो थोड़ा बढ़ जाती है। ब्रायनिया में खांसी धीरे धीरे करके बढ़ती है, सूखी खांसी आती है, प्यास बहुत लगती है, टंग जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी व्हाइटिश कोटिंग हो जाएगी, कभी कभी ल्यूरल लूज कफ का बुखार, कभी कभी ब्रायनिक पेशेंट जब बुखार होता है तो उसके खांसी में थोड़ा बलगम भी रहता है, और प्लूरल इफ्यूजन अगर दोस्तों आपके फेफड़े में पानी आ जाए तो भी दोस्तों ये ब्रायनिया बहुत अच्छे से ठीक कर देती है पेशेंटों को, बहुत काम की दवा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा सिम्टम तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अगली दवा बतानी है, फिर दोस्तों अगली दवा एक और बहुत अच्छी दवा है एंटीमोनियम टार्ट। दोस्तों एंटीमोनियम टार्ट बुजुर्गों के लिए या बच्चों के लिए ये भी दवा बहुत अच्छी है, किसी कारणवश जब हम इपिकाक बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं मिल पाती है, जब खांसी उनकी 15-20 दिन पुरानी हो जाती है तब फिर हम एंटीमोनियम टार्ट से उसे ठीक करते हैं, खांसी जब 10-15 दिन पुरानी हो जाए ठीक उसी तरह लगे, बच्चे के फेफड़े में बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है, बच्चा उसे निकाल नहीं पा रहा है, खांसते खांसते बच्चे कोल्ड स्वेटिंग होने लगती है, सांस फूलने लगती है,
तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ईपी का एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छी दवा है, वीजिंग साउंड आने लगता है दोस्तों, पेशेंट वीक महसूस करता है, प्रोस्टेट महसूस प्रोस्टेशन हो जाता है, लेट जाता है, ड्रॉसीनेस महसूस करता है, कहता है लगता बचूंगा नहीं, कभी कभी बुजुर्ग ऐसे कहते हैं लगता बचूंगा नहीं, मेरा फेफड़े का बलगम कभी साफ ही नहीं हो पा रहा, निकल ही नहीं पा रहा, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है दोस्तों। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आप ईपी काट लीजिए, एंटीमोनियम टार्ट लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। खांसी की और बहुत सी दवाएं, ड्रोसीरा बहुत अच्छी दवा है, स्टेना मेटेलिकम बहुत अच्छी दवा है, हीपर सेल्फ मैं क्लिनिक पर रोज देता हूं, कम से कम 5-7 मरीजों को रोज देता हूं। ऐसी बहुत सी दवाइयां दोस्तों जिनके बारे में मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की जो है बातचीत यहीं से समाप्त होती है, मैं फिर जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।